वेलकम बैक टू द गेमिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग के चाहिए बात करने वाला साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में यहाँ पे जो सेकंड T20 मैच होने वाला, उसकी मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रीम 11 की स्मॉल लीग की टीम, साथ में आपको यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छे से गाइड करने वाला हूँ किस तरीके की आप लोग ग्रैंड लीग में टीम बना सकते हो, कौन से ऐसे प्लेयर इवेंट जो आपके लिए यहाँ पे ग्रैंड लीग मैच की प्लेयर का रोल प्ले कर सकते हो, जिनकी वजह से आप लोग इजिली ग्रैंड लीग में भी अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। प्लस आप लोग को बता दो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने फ्रेंड्स इजिली पहले वाले T20 मैच को विन कर लिया, जो कि लंदन के ग्राउंड में हुआ था, जाकि मैंने स्पेशली आपको कहा था कि आप लोंगी नगीडी जैसे प्लेयर को तो जो स्पेसर बॉलर है वहां पे उनको हेल्प मिलती है। तो आपने देखा होगा काफी क्लोज की टक्कर हुई थी, एक विकेट से यहाँ पे एक रन से यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने विन कर लिया था। इंग्लैंड ने भी फ्रेंड्स अच्छी खासी यहाँ पे टक्कर दी थी, जिसमें कि 70 रन का स्कोर किया था जेसन रॉय ने। तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा निराश होंगे जेसन रॉय अपनी अच्छी इनिंग खेलने के बाद भी यहाँ पे उनकी टीम हार गई। फ्रेंड्स आपको इस मैच का भी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स किस तरीके की आपको यहाँ पे टीम बनानी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पिच अलग है, सब कुछ यहाँ पे अलग है, तो हर चीज यहाँ पे मैटर करेगी, वेदर यहाँ पे मैटर करेगी। प्लस आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रेन के चांस है कि नहीं है, तो सारी चीजें लगभग मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बहुत ज्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। यहां पे आपको प्राइम टीम भी मैं दूंगा फ्रेंड्स, जो मेरी स्मॉल लीग की टीम होगी वो बेसिकली प्राइमरी टीम रहती है फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमने आपको टीम दी थी, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे स्पेशली दी थी, तो उसका रिजल्ट सबसे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ओवरऑल आपको इस मैच की बात करूं, जो यहां पे फर्स्ट मैच हुआ था इसका, तो इसमें मेरी 20,000 से भी ऊपर की विनिंग थी। आप लोग यहां पे मेरी विनिंग्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर मेरा ड्रीम 11 में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेरा कम रहता फ्रेंड्स, इसलिए मेरा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रहता वो था मेरा यहाँ पे फैंटेसी पावर 11 पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फैंटेसी पावर 11 के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपको ड्रीम 11 के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी है, आपको एप्लीकेशन मिलती है यहाँ पे, आपको काफ़ी कम यहाँ पे कंपटीशन मिलता है। प्लस आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैंने रेफर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग उस लिंक से जाओगे। प्लस आपको एक रेफर कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा GT786, यानी GT786 आपको डालना पड़ेगा, आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा। बोनस आपको तब मिलेगा फ्रेंड्स जब आप लोग अपना यहाँ पे अकाउंट में जाके, आप लोग वेरीफाई अकाउंट में जाके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाइड करोगे। तो आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाइड करने का है, आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। प्लस आप लोग उस बोनस को फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी तरह से भी किसी भी मैच में आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, अपने बोनस का अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे 30% से 100% तक यहाँ पे आपको बोनस ऑफर मिलता है फ्रेंड्स, जिसमें आप लोग यहाँ पे 100% यानी लाखों करोड़ों रुपये आप लोग यहाँ पे बोनस कमा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इनके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बोनस के ऑफर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लस आपको इसी मैच की मैं विनिंग दिखाऊँ फ्रेंड्स, जो मैच रिसेंटली हुआ आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। हेड टू हेड में भी आपको दिखाओ तो देख सकते हो पूरी तरह से क्लीन स्वीप है। फिर मैं आपको 3 मेंबर्स की भी यहाँ पे लीग दिखा लेता हूँ फ्रेंड्स, तो 3 मेंबर में भी आप लोग देखोगे पूरी तरह से क्लीन स्वीप है। बाकी लीग भी आप लोग देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरी तरह से आपको हर एक चीज़ क्लीन स्वीप रहेगी। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रैंड लीग में हमारी यहाँ पे ठीक ठाक रैंक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं थोड़ा सा इस मैच की तरफ, इस मैच की मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। प्लस आप लोगों को कहूँगा यार, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आपको फाइनल टीम मैं यहाँ पे दूंगा फ्रेंड्स, गेमिंग टेक ड्रीम 11 उनके नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इसी चैनल को आपको डाउन यहाँ पे ज्वाइन करना फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो डेली बेसिस पर आप लोग यहाँ पे विनिंग ट्रैक करोगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे विनिंग दिखेगी। जैसे 1000 रुपये ये है, 2500 रुपये ये है फ्रेंड्स, हर एक मैच का आपको विनिंग दिखेगा। फिर 200 ये है फ्रेंड्स। फिर आप लोगों को यहाँ पे मैं जो अच्छे ऑफर आते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे इजिली से गाइड करता हूँ। फिर आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग 2000 की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग ये है 12,000 समथिंग की ये विनिंग है, ये भी आप लोग देख सकते हो। ये ज़्यादातर मैक्सिमम विनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी फ्रेंड्स फैंटेसी पावर 11 की। जस्ट 2 वीक समथिंग हो रहा है मुझे इस एप्लीकेशन पे खेलते हुए, और आपको बता दो फ्रेंड्स 2 वीक में लगभग यहाँ पे मेरी विनिंग आप लोग खुद ही देख लीजिए फ्रेंड्स, लगभग है प्लेइंग हिस्ट्री में जाएंगे तो 1,56,321 रुपये आपको यहाँ पे मेरी टोटल विनिंग दिखेगी फ्रेंड्स। तो 2 हफ्ते में यार इतना पैसा विन करना बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग भी इस ऐप पर खेलना स्टार्ट करिए। बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली ऐप है, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे ऑफर आते हैं फ्रेंड्स। प्लस आपको लीग भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम मिलता है, एंट्री फीस भी आपसे यहाँ पे कम ली जाती है। अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब थोड़ी सी हम यहाँ पे मैच की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे पिच की, तो ये डर्बन के ग्राउंड में खेला जाएगा। चलिए थोड़ा सा क्रिक वच पे चलते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोग अच्छी एक टीम बना पाओ, आपको हर एक स्टैट यहाँ पे। सबसे पहले हम पिछले मैच का स्टैट देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तंबा बोमन ने साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारे, जिसमें 43 रन इन्होंने खेले। फिर क्वांटम डीकॉक और यहाँ पे डुसैन ने 31 रन मारे फ्रेंड्स। फिर उसके अलावा यहाँ पे जेजे स्मर्ट्स ने 20 रन मारे, बाकी तो सबका लगभग यहाँ पे एवरेज यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे इनकी तरफ से यहाँ पे मैं विकेट कहूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिस जॉर्डन ने विकेट लिए, मार्क वुड ने 1 विकेट लिया, बाकी जितने भी बॉलर है यहाँ पे सबने 1-1 विकेट लिए। फिर यहाँ से बात करेंगे फ्रेंड्स दूसरे इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जेसन रॉय ने मारे 70 रन। फिर आप लोग देखोगे बटलर फेल हो गए, जो कि ओपन करने आए थे, तो आपके लिए सबसे बड़ी ग्रैंड लीग के जो कैप्टन होने वाले हैं इस वाले सेकेंड T20 मैच में वो
है यहाँ पे जॉस बटलर, क्योंकि ओपन करेंगे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इनका है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। प्लस यहाँ पे देखो जॉनी बेस्ट्रो भी फेल हो गए, तो बहुत कम लोग यहाँ पे जॉनी बेस्ट्रो को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने वाले। तो स्पेशली आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह यहाँ पे जॉनी बेस्ट्रो को भी कैप्टन ले सकते हो। फिर यहाँ पे एयन मॉर्गन ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे कैप्टनसी पारी खेली, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेकंड राउंड में आके एयन मॉर्गन ने अच्छी पारी खेली। फिर यहाँ पे जॉन डेली फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लॉप हुए, बैन स्टॉक भी फ्लॉप हुए, मोइन अली भी फ्लॉप हुए, जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी इंग्लैंड फिर भी हार गई। देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट जो यहाँ पे लिए फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका की तरफ से उन्होंने लिया यहाँ पे लुंगी नगीडी ने, फिर यहाँ पे एंडी फ्लैक और ब्रेन हैंड्रिक्स ने लिया। लेकिन इस मैच में फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टैट अलग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला मैच हुआ था ईस्ट लंडन में, ये वाला मैच होगा डर्बन में। डर्बन की मैं थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो चलिए जान लेते हैं। एक मैच जो हुआ था यहाँ पे नो रिजल्ट बारिश की वजह से रहा था, तो फ्रेंड्स इस वाले मैच में तो बारिश के कोई अभी तक चांस है नहीं, लेकिन अगर होंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बारिश का। तो फ्रेंड्स इस मैच में आप लोग देखोगे यार जो मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है, तो ब्रेन हैंड यहाँ पर रीजा हैंड्रिक्स का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। फिर यहाँ पर तंबा बहुमा भी फ्रेंड्स नहीं चले हैं, क्वांटम डी कॉक तो फ्रेंड्स पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं इस पिच पर। तो यार आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी कि यहाँ पर डी कॉक का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इस पिच में, तो आपको डीकॉक को यहाँ पे लेना है अपनी टीम में, लेकिन आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से मत ट्राई करना, हम तो नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं करना है। बाकी कोई भी मैच आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नहीं हुआ है फ्रेंड्स, जो रिसेंटली जो मैच हुए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैच हुआ जो कि बारिश की वजह से नहीं हो पाया। तो ये पिच फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है, बैटिंग फ्रेंडली है पिच, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वो वाले बैट्समैन ज़्यादा चलते हैं जो यहाँ पे लंबे हिट्स लगाते हैं, तो आपको उन्हीं प्लेयर्स को यहाँ पे लेना अपनी टीम में। प्लस यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती, तो आप लोग इस पिच में फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट बॉलर के साथ जाइए, आप लोगों को मैं बता दूंगा आपको किस किस बॉलर को यहाँ पे लेना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स जो ऐसे बॉलर है जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे डेल स्टेन वगैरह हो गया, क्रिस जॉर्डन हो गया फ्रेंड्स, टॉम करन हो गया, तो ऐसे बॉलर्स को यहाँ पे अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है, तो आपको इन बॉलरों के साथ ले जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा किफायती बहुत ही अच्छे आपके लिए साबित हो सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे टीम की, तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में आप लोग देखोगे दो विकेट कीपर के साथ मैं गया हूँ फ्रेंड्स, तीन आपके पास ऑप्शन है। क्वांटम डी कॉक आपको पता है फ्रेंड्स लास्ट के मैच में 31 रन मारे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, प्लस T20 के तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन इस पिच पे इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप हम इनको नहीं लेते फ्रेंड्स तो क्या होगा कि अगर ये अच्छा चलते हैं तो यार हम लोग हार जाएंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स मतलब डीकॉक ऐसे हैं कि वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, तो यार इसलिए हमें इनके लेके चलना है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है जॉनी बेस्टो को, जो कि आपको पता है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट, और आपने देखा होगा फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन लास्ट के मैच में नहीं चल पाए, उतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा, हर मैच में डिफरेंट होगा फ्रेंड्स, प्लस पिच भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे हो सकता है जॉनी बेस्टो आज के मैच में बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेल के दे। फिर यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मिलेगा जॉस बटलर, जिनको कि आपको स्पेशली स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों जगह ट्राई करना है। स्मॉल लीग में अभी आप लोग ले सकते हो, ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन जरूर से ट्राई करना दो से तीन टीमों फ्रेंड्स, क्योंकि टोटल आपके पास 11 टीम है, तो दो टीम में आप लोग कैप्टन भी ले सकते हो, एक टीम में आप लोग वाइस कैप्टन भी यहाँ पे जॉस बटलर को ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। अब बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बैटिंग सेक्शन के, तो आप लोग देखोगे तीन बैट्समैन के साथ में क्यों हूँ, जैसन रॉय आपको पता है लास्ट मैच में धुएंधार पारी खेली, फिर यहाँ पे रुसेन वेंडन रुसेन फ्रेंड्स, तो डुसेन ने भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे इनिंग खेली थी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छे भी अभी बैट्समैन है। फिर यहाँ पे तंबा बहुमा की बात करो, तो तंबा बहुमा फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही स्पेशल प्लेयर होने वाले, क्योंकि यहाँ पे 8.5 क्रेडिट में फ्रेंड्स बहुत ही किफायती और बहुत ही ज़बरदस्त हमें बैट्समैन मिलने वाला। इसके अलावा मैं ऑप्शन की बात करूँ तो आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं एयन मॉर्गन, आपको पता है फ्रेंड्स पिछले मैच में 50 प्लस का स्कोर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्लेयर है, तो आप एयन मॉर्गन को भी ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आप मुझे नहीं लगता कि एयन मॉर्गन की बैटिंग इस वाले मैच में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हर बार जॉनी बेस्ट्रो और जॉस बटलर फेल होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एयन मॉर्गन को नहीं लिया है, यही रीज़न है फ्रेंड्स यहाँ पे एयन मॉर्गन को नहीं लेने का, 81% लोगों ने एयन मॉर्गन को लिया है। फिर यहाँ पे डेविड मिलर भी आपके पास ऑप्शन है, डेविड मिलर को भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। फिर जो डेनले थोड़ा सा नीचे आ रहे, तो आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में तो मेरे हिसाब से ये तीन ही सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाले हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आप लोग देखोगे तीन ऑलराउंडर के साथ मैं गया हूँ, बैन स्टॉक मोइन अली दोनों ने लास्ट के मैच में एक एक विकेट निकाला था, प्लस बैटिंग से भी यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, बैटिंग में तो खैर फेल हो गए थे फ्रेंड्स, ये तो बैटिंग की तो बात ही क्या करनी, लेकिन बड़े बैट्समैन है फ्रेंड्स, अच्छे बैट्समैन है दोनों, तो आप लोग दोनों को ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एंड्रयू फैलकाओ को मैंने लिया, जिन्होंने के लास्ट के मैच में दो विकेट निकाले थे फ्रेंड्स, और कब बैटिंग से भी ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो आपके लिए यहाँ पे एंड्रयू फैलकाओ फ्रेंड्स अच्छे खासे यहाँ पे ऑप्शन होने वाले। फिर इनके अलावा ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स जो आपके लिए स्पेशली ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए होने वाले, यहाँ पे जे स्मिथ्स फ्रेंड्स, जे स्मिथ्स को एक ही ओवर पिछले मैच में मिला था, इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग से थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने कर लिया था फ्रेंड्स। लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि जे स्मिथ्स को यहाँ पे विकेट ना मिले या फिर ये बैटिंग से उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, तो बैटिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर कहूँगा फ्रेंड्स मैं, क्योंकि बॉलिंग से भी अच्छे खासे विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं, तो यार आप इनको बॉलिंग में भी यहाँ पे ले सकते हो फ्रेंड्स, एज ए बॉलर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। प्लस यार हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि इनसे सिर्फ एक ही ओवर करवाया जाए, अगर हो सकता है कि दो तीन ओवर भी
करवाएगा, क्योंकि एक ओवर में ये काफ़ी महंगे साबित हो चुके थे फ्रेंड्स, इसलिए इनसे शायद से आगे के ओवर नहीं करवाए गए। लेकिन इस मैच में पूरी उम्मीद है कि इनसे यहाँ पे या तो चार या तो फ्रेंड्स दो ओवर तो कम से कम ये कराएंगे। तो आपके लिए ग्रैंडिंग के लिए स्पेशल पिक होने वाला है, फिर यहाँ पे डैन प्रोटियर्स को अभी आप लोग ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे दावेदार है, सिर्फ 2% लोगों ने यहाँ पे डैन प्रोटियर्स को यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स, तो आप लोग इनको ले सकते हो। फिर आप बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन की, तो आप लोग देखोगे तीन बॉलर के साथ में क्या हूँ, डेल स्टेन, आदिल राशिद और यहाँ पे लुंगी नगीडी। लुंगी नगीडी ने आपको पता है पिछले मैच में यहाँ फ्रेंड्स 3 विकेट निकाले थे, क्योंकि पिच वहाँ पे बैट्समैन जो फास्ट बॉलर है वो उनको सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पे पिच फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट करता अकॉर्डिंग टू फास्ट बॉलर, लेकिन मतलब फास्ट बॉलर को भी यहाँ पे विकेट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हम लोग यहाँ पे यार हमारे पास यहाँ पे 8.5 क्रेडिट मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो लुंगी नगीडी या फिर ब्रेन हैंड्रिक्स ही हमारे पास अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेने के शौकीन हो तो आप यहाँ पे तजबीर शमसी के साथ भी आप लोग जा सकते हो, आपके लिए अच्छी खासी चॉइस यहाँ पे तजबीर शमसी भी होने वाले हैं लुंगी नगीडी के जगहों पे, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। फिर आपके पास जो और ऑप्शन बचते हैं फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे ब्रेन हैंड्रिक्स, जैसे कि आपको बताया मैंने कि लास्ट के मैच में फ्रेंड्स अच्छे खासे यहाँ पे बॉलिंग की थी। फिर यहाँ पे मार्क वुड भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये भी फास्ट बॉलर है तो यहाँ पे स्पिनर्स आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे डेन स्टेन हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस मेरे हिसाब से इस मैच में होने वाली है, और हमारे लिए की प्लेयर भी डेन स्टेन होने वाली है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पे क्रिस जॉर्डन, टॉम करन, ये आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है, इनको आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह आप लोग ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे फ्रेंड्स सिंपली हम यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जॉनी बेस्टो को, जो कि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बैट्समैन है और यहाँ पे विकेट कीपिंग से भी आपको अच्छे खासे पॉइंट निकाल के देंगे। प्लस यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है कि जॉनी बेस्टो फर्स्ट डाउन आ रहे हैं, हो सकता है इस मैच में ओपन वे करें, फर्स्ट डाउन यहाँ पे जॉस बटलर को भी भेजा जा सकता है, तो यहाँ पे ओपन करने के चांस भी जॉनी बेस्टो को है। और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन है जॉनी बेस्टो, मतलब सिर्फ 6% लोगों ने यहाँ पे जॉनी बेस्टो को लिया है। वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे तंबा बहुमा का लिया है, क्वांटम डी कॉक को मैं लेना चाहता था लेकिन इस पिच पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे क्वांटम डी कॉक का, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन भी क्वांटम डी कॉक को नहीं रख रहा हूँ। हो सकता है कि फाइनल टीम जो आए उसमें मैं यहाँ पे क्वांटम डी कॉक को लूँ ही ना, लेकिन आप लोग इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए फ्रेंड्स। आप लोग अगर हेड टू हेड और 3 मेंबर खेले तो आप डी कॉक को लेके चलिए, भले आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई करिए लेकिन लेके आप लोग चलिए। तो फ्रेंड्स अब और ऑप्शन की बात करो, जो आपके लिए सेफली और यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं वो होने वाले हैं क्वांटम डीकॉक, जो कि सबके कैप्टन होने वाले, वाइस कैप्टन जो होने वाले सबके वो है यहाँ पे जैसन रॉय। तो आपको मैक्सिमम यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा आपको हेड टू हेड और 3 मेंबर की टीम में, बहुत कम लोग होंगे जो जॉनी बेस्टो और यहाँ पे फ्रेंड्स तंबा बोमा के साथ जाए। यही फ्रेंड्स हमारी टीम की खासियत रहती है, इसीलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे विन कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी टीम में चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो हम हर जगह रिस्क लेते हैं। स्मॉल लीग में हम लोग 5-10% रिस्क ले सकते हैं लेते हैं, आप लोग देखोगे इसमें 10% रिस्क है, 5% रिस्क हमारा यहाँ पे कैप्टन में है, 5% रिस्क हमारा वाइस कैप्टन में है, ठीक है। तो ये टोटल 10% रिस्क हो गया। इस टीम के साथ आप लोग 4 मेंबर तक आप लोग दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन आपका है कि आपको ये टीम अच्छी लगती तो तभी आप लोग इस टीम के साथ जाइए, वरना आप लोग अपने से आपको कुछ लग रहा हो, क्योंकि यार आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि फ्रेंड्स हर दिन ऐसा नहीं है कि हर दिन मेरा ही लक अच्छा चलेगा। हो सकता है फ्रेंड्स आज के दिन में आपका ही लक अच्छा हो, जो आप लोग कैप्टन हो वही अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दे दे। आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स जॉनी यहाँ पे जेसन रॉय को भी कैप्टन ले सकते हो, क्वांटम डीकॉक को भी आप लोग वाइस कैप्टन ले सकते हो, इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग सेफली से थोड़ा सा अलग खेलना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप लोग क्वांटम डीकॉक और जॉनी जेसन रॉय को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन लेके आपकी रैंक क्लैश होगी, आपको रैंक क्लैश का डर लग रहा है, तो आप इनको आपस में इंटरचेंज भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जेसन रॉय आपको पता है 70 रन की इनिंग खेल के आए हैं, तो काफ़ी अच्छी टच में भी हैं, तो आप लोग इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी टीम थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट होगी, रैंक क्लास के चांस आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। बाकी मैं तो फ्रेंड्स इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाऊँगा, और ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए। बाकी कोई भी डाउट हो आपका तो यार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो किसी भी यहाँ पे फैंटेसी ऐप के रिगार्डिंग। बाकी और मैच के भी आप लोग वीडियो चाहते तो आपको मुझे दिल खोल के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार मैं और मैचों के भी आपको टीम वगैरह वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। बाकी टेलीग्राम पे तो मैं आपको टीम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग अच्छी अच्छी टीम पूरी प्राइम टीम आपको वहाँ पे मिलती है फ्रेंड्स, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करेंगे टीम के फाइनल प्रीव्यू की, तो कुछ इस तरीके से हमारी टीम बन गया है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी लग रहा है, 6-5 का ये कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि टीम दोनों स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। आप किसी भी टीम को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपने पहला मैच देखा कि 1 रन से साउथ अफ्रीका ने विन किया, तो इससे आप लोग ये देख सकते हो कि दोनों टीमों के बीच में कितना हार्ड कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स
बाकी जो भी अपडेट्स होंगे फाइनल वो टॉस के बाद ही होंगे, क्योंकि टॉस से पहले तो कोई अपडेट्स होते नहीं है फ्रेंड्स। टॉस के बाद हम देखेंगे कि अगर कोई चेंज होता तो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा लूँगा। और जिन लोगों ने फैंटेसी पावर 11 में खेलना स्टार्ट नहीं किया तो उन लोगों से कहूँगा कि वो लोग खेलना स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स आपको लेवल मैटर नहीं करता, आपको जो इंस्टेंट विड्रॉ है वो आपको यहाँ पे जीरो लेवल पे भी, जैसे आपने आज ही यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो आज ही आप लोग इंस्टेंट विड्रॉ भी ले सकते हो। जैसे आपने सपोज पैसे विन किए और आप लोग इंस्टेंट विड्रॉ लेना चाहते हो तो आपको उसी टाइम पे वहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉ मिल जाता है विदाउट एनी चार्ज, आपको कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं करना पड़ता, ना ही आपको मैटर आपके लेवल करता है फ्रेंड्स, क्योंकि ड्रीम 11 में 100 प्लस आपका लेवल होगा तभी आप लोग यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हो। लेकिन फैंटेसी पावर 11 पे आपका लेवल कुछ भी हो, जीरो भी हो, तो अभी आप लोग वहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉ ले पाओगे, प्लस वहाँ पे कंपटीशन और जो भी फैसिलिटी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस कस्टमर सपोर्ट के लिए भी आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर का नंबर वहाँ पे मिलता है, तो आप लोग इजीली उनसे पूछ सकते हो कुछ भी आपका क्वेरी वगैरह हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई भी इशू आता उस ऐप के रिगार्डिंग तो यार अगर मैं आपको उस ऐप के लिए कह रहा हूँ तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा, जो भी आपका इशू है आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हो, आपका इशू विद इन 12 आवर में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के बीच में शेयर की वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी टीम्स और फ्रेंड्स जो भी चीज़ मैंने आपको बताई वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार इस चैनल पर आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। आज तक मैंने आपको कभी भी लाइक का एम नहीं दिया, चाहे मैंने कैसी भी वीडियो बनाई हो, चाहे आपको फ्रेंड्स ग्रैंड लीग भी विन कराई हो, लेकिन इस वीडियो पर फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइक का एम मैंने रखा है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग उस लाइक के एम को कंप्लीट करोगे। ज़्यादा बड़ा मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है मुझे पता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं अपने औकात के हिसाब से ही लाइक एम रख रहा हूँ। 25 लाइक का मैं एम रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप 25 लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को। और यार जिन लोगों को पसंद ना आए वो लोग डिसलाइक भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ आपको फोर्स नहीं है फ्रेंड्स। तो 25 लाइक का एम है, आप लोग जरूर से कंप्लीट करना फ्रेंड्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, वंदे मातरम फ्रेंड्स।